الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمطيعين، والنار للعاصين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأعز المرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد، وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. سورۃ الحشر کی 18ویں اور 19ویں مبارک آیتیں ہیں، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اور خطاب اہل ایمان سے ہے. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے وہ کہ جنہوں نے ایمان لایا ہے، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی الہی حاصل کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی الہی حاصل کرو. اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، یقیناً اللہ ہر اس عمل سے واقف ہے جو تم انجام دیتے ہو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، اور دیکھو ان کی طرح ہرگز نہ بننا جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا تھا. فانساهم انفسهم، نتیجے میں خدا نے ان کو خود فراموشی کا شکار کیا. اولئك هم الفاسقون، یہی وہ ہیں کہ جو فاسق و گنہگار ہیں. سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا. گزشتہ دو راتوں سے تقوی الہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اور اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تقوی کے دو پہلو ہیں.
एक पहलू यह है कि हर हाल में हर सूरत में इस जिंदगी के अंदर बंदा हमेशा अल्लाह की खुशनुदी और उसकी नाराजगी का एहसास और तस्वुर अपने दिलो दिमाग में रखे, यहां तक कि जब भी वो कुछ सोचे या कुछ कहे या कुछ करना चाहे तो सबसे पहले अपने आप से सवाल करे, अपने आप से पूछे कि क्या मेरा खुदा मुझसे राजी होगा या नहीं। इसी को अंग्रेजी में गॉड कॉन्शियसनेस और गॉड वेरीनेस कहा जाता है। और फिर इसी पर कल की मजलिस में आप लोगों की समाअत में गुफ्तगू रही, मैंने ये समझाया था हदीसों की रोशनी में कि ये कल्ब, ये दिल जो इंसान के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के बसने की जगह है। कल्ब आदम ये अल्लाह के बसने की जगह है, कल्ब बनी आदम यहां सिर्फ खुदा बसेगा। तो अगर इस जिंदगी में हमने खुदा को अपने दिलों के अंदर बसाया तो फिर उसके बाद कोई भी हमें गुमराह नहीं कर सकेगा, कोई भी हमें बहका नहीं सकेगा, कोई भी हमें अल्लाह की राह से हटा नहीं सकेगा। लेकिन अगर हमने खुदा को इस दिल में नहीं रखा तो फिर शैतान इसे अपना मस्कन बना देगा। और याद रहे कि इस दिल के अंदर रहमान और शैतान कभी साथ नहीं रह सकते, या तो रहमान रहता है या तो शैतान रहता है। लिहाजा मेरे दोस्तों जरूरी यह है कि हम कोशिश करें इस जिंदगी में कि इस कल्ब के अंदर, इस दिल के अंदर अल्लाह को बसाए, हर वक्त अल्लाह को याद करें और अल्लाह की खुशनुदी और उसकी नाराजगी का एहसास मद्देनजर रखे और जिंदगी को बसर करें। आज की मजलिस में इंशाअल्लाह इसी तकवा के दूसरे पहलू पर हमें गौर करना है, और वो ये है कि बंदा अपनी जिंदगी को अल्लाह, उसके रसूल और अइम्मा ताहिरीन की इताअत में गुजारे, ओबीडियंस में गुजारे। ये दूसरा पहलू है तकवे का। और कुरान मजीद का अगर जायजा ले लें तो अंदाजा होगा कि इसका हुक्म खुदा ने कुरान के अंदर भी दिया है, इरशाद हो रहा है, और यहां भी खिताब अहले ईमान ही से किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबाने ईमान, ऐ वो के जिन्होंने ईमान लाया है, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की पैरवी करो, इताअत करो और उनकी इताअत करो जो तुम में से साहिबाने अम्र हैं। अल्लाह को तो हम जानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी हम जानते हैं, लेकिन ये साहिबाने अम्र कौन है? इसमें मुसलमानों के दरमियान में इख्तिलाफ है। अक्सरियत का ये कहना है कि हर वो शख्स जो मुसलमानों का लीडर बन जाए, रहनुमा बन जाए, खलीफा बन जाए, हुक्मरान बन जाए, ये सब के सब साहिबाने अम्र हैं, चाहे फिर आदिल हो या जालिम हो, क्योंकि अल्लाह ने उनको हम पर मुकर्रर किया है। बस यही कॉन्सेप्ट की वजह से आज मुसलमान दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा दुखी है, खास तौर से मिडल ईस्ट कंट्रीज के अंदर आप हालत देख लीजिए। लेकिन एक दूसरा गिरोह है मुसलमानों का कि जो ये बताते हैं कि नहीं, हमें साफ अल्फाजों में बताया गया है, खुद पैगंबर ने बताया है, अइम्मा या ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने भी बताया है कि इस आयत में साहिबान अम्र से मुराद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारे 12 इमाम हैं, ये साहिबान अम्र हैं, मौलाए कायनात से लेकर साहिबुल अम्र इमाम ज़माना अज्जल अल्लाह ताला फरजहु शरीफ।
ये हमारे पेशवा हैं और हुक्म ये है कि हम इस जिंदगी में इनकी पैरवी करें, इनके बताए हुए रास्ते पर चले। तो ये इताअत ओबीडियंस जिसका जिक्र आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मफहूम क्या है, मुख्तसर तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। मेरी यह आदत भी नहीं है कि मैं फलसफियाना बातें करूं और लोगों को कंफ्यूज करूं, नहीं, बातें बिल्कुल सीधी करता हूं ताकि लोग समझें। 12 दिन के बाद कोई यहां से निकल के ये ना कहे कि भाई मदरसे तो आपने बहुत अच्छी पढ़ी लेकिन कुछ समझे नहीं हम। नहीं, मैं ये चाहता हूं कि यहां बच्चा बच्चा जो मौजूद है मेरी बातों को गौर से सुने और समझे, क्योंकि साफ अल्फाजों में बातें हो रही है। इताअत ओबीडियंस, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि अवामिरे इलाही यानी हुक्म इलाही, द कमांड्स ऑफ अल्लाह, उसके आगे हम अपने आप को झुका दें, सर तस्लीम को खम करना अवामे अवामिरे इलाही के सामने, इसी को इताअत कहा जाता है। जो हुक्म खुदा ने दिया है हमें इस दुनिया के अंदर, उस हुक्म को हम बजा लाएं, चाहे फिर वो हुक्म हुक्म अम्र हो या हुक्म नहीं हो। यानी कि खुदा ने अगर हमें हुक्म दिया है कुछ करने के लिए, इसे हुक्म अम्र कहते हैं, तो उस अमल को बजा लाएं, और अगर उसने हमें किसी चीज से बाज आने के लिए कहा है, रोका है, इसे हुक्म नहीं कहा जाता है, तो फिर उन चीजों से हम अपने आप को दूर रखें। तो यह है इख्तिसार में, बड़े मुख्तसर में मैंने समझाया इताअत किसे कहते हैं, ओबीडियंस किसे कहते हैं। तो जो हुक्म खुदा ने दिया है हमें, जो हुक्म पैगंबर ने हमें दिया है, जो हुक्म अइम्मा ताहिरीन हमें दे रहे हैं, फरीजा हमारा ये बनता है अगर साहिबान ईमान है और हम चाहते हैं कि हमारा शुमार भी मुत्तकीन में से हो, तो जरूरी यह है कि उनकी पैरवी करें, उनकी इताअत करें, फरमा बरदारी करें। लेकिन सरकार सूरत हाल यह है कि आज मुसलमानों की हालत यह है, और मुसलमान में सब शामिल हैं, सिर्फ हम नहीं हैं, आले मोहम्मद के शिया या उनसे मोहब्बत करने वाले तमाम, के इताअत इलाही ही में कमजोरी महसूस करते हैं। जहां इताअत का जिक्र आए, भाई मुसलमान तो होने का तो जोर शोर से हम ऐलान करते हैं मुसलमान हैं, भाई हम शिया होने का भी जोर शोर से ऐलान करते हैं, हम शिया ने आले मोहम्मद हैं, लेकिन जहां इताअत की बात आई कमजोरी महसूस करते हैं। और सिर्फ कमजोरी महसूस नहीं करते, लेकिन क्या बताऊं, आज जिस जमाने से हमारा गुजरा हो रहा है, ऐसा जमाना आ गया है कि हम जो कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, जो कह रहे हैं कि हम शिया ने आले मोहम्मद हैं, अल्लाह के अवामिर उसके कमांड्स की मुखालिफत भी करते हैं, और हम में से बाज ऐसे भी हैं कि जो अवामिर इलाही पर एतराजात भी करते हैं। है, हो रहा है, खासतौर से हमारा ये जो नया जमाना चल रहा है, कहा जाता है कि भाई मॉडर्न इंटरप्रिटेशन होना चाहिए इस्लाम का और कुरान का, सुना होगा आपने, मुख्तलिफ ग्रुप्स निकले हैं हमारे दरमियान, बालों की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं, कई किस्में हैं लोगों की माशाल्लाह, ग्रुप्स देखे हैं, और हर एक अपना मसलक प्रेजेंट कर रहा है, और एक उनमें से वो है जो कह रहे हैं कि नहीं, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान शुड बी देयर। मॉडर्न का मतलब ये कि जो कुछ पैगंबर ने अइम्मा ने कहा था उसे अलग रखें, लेट अस बी प्रैक्टिकल इस जमाने के अंदर, यानी जो माज अल्लाह उन्होंने कहा था ये प्रैक्टिकल नहीं है आज के लिए, कहना है। तो मुसलमान कहते हैं लेकिन मुखालिफत करते हैं अवामिर इलाही की, और सिर्फ मुखालिफत नहीं, बाज अवामिर इलाही पर एतराजात भी करते हैं। मैंने ये पहले भी कहा है कहीं पर मजलिसों के सिलसिले में मैं गया हुआ था, क्योंकि ये मैं अपना फर्ज समझता हूँ, लोग मेरी बातों को पसंद करें न करें मुझे परवाह नहीं, हकीकत में 2 दिन की दुनिया है। और मैंने रोज़ अव्वल ये कहा था कि ये मिंबर रसूल है, यहाँ पर बैठकर लोगों के पसंद और नापसंद का ख्याल रखना यह मुआविया उसके चहीतों का किरदार था। हम कोशिश करते हैं कि हमारा शुमार आले मोहम्मद के शियों में से हो,
तो जरूरी है कि जब इस मिंबर पर हम बैठे तो हक की बात करें। मैं यहां पहली बार आया हूं, अक्सर लोगों को यहां पर मैं नहीं जानता और आपके हालात से भी मैं वाकिफ नहीं, तो बातें जो हो रही है जनरल हो रही है और जो हवाएं हैं फिजा में अगर यहां भी मौजूद है तो मोमिनीन के लिए जरूरी है कि वो ख्याल रखे और अपने ईमान को महफूज रखे। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारी कौम और हमारे मुआशरे की बात कर रहा हूं कि हमारे मदारिस के अंदर, हमारे मदरसों के अंदर एक ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। सुना होगा, आप अपने बच्चों को ला रहे हैं मदरसे में, शायद इधर भी होगा, दुनिया भर के अंदर, जिसे कहा जाता है टीचर्स ट्रेनिंग, टीचरों को ट्रेन करना। सुना होगा आपने। अब ये टीचरों को जो ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग दो किस्म की होती है। बाय द वे, ये मत कहिएगा कि आपको क्या खबर कि क्या हो रहा है, ये आपका तो प्रोफेशन है ही नहीं। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये हांकने के लिए नहीं कह रहा हूं, तकब्बुर करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं खुद यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टसमथ में पढ़ा हूं, पीजीसी, तो मैं जानता हूं, इन बातों से वाकिफ हूं। ट्रेनिंग दो तरह की होती है, एक सब्जेक्ट मैटर और कॉन्टेंट्स की ट्रेनिंग और एक मेथोडोलॉजी की होती है। सब्जेक्ट और कॉन्टेंट्स क्या पढ़ाना बच्चों को मदरसे के अंदर, अकायद अगर पढ़ाते हो तो अकायद में तुम क्या पढ़ाओगे, तौहीद है, अदल है, या अकायद है, अकीदा है, नबुवत है, इमामत है, कियामत है, तो ये अकायद है, इसमें क्या पढ़ाओगे बच्चों को, ये है सब्जेक्ट मैटर कॉन्टेंट्स जिसमें ट्रेनिंग की जरूरत है। क्योंकि अक्सर टीचर्स हमारे मदारिस के अंदर ये उलमा नहीं है, ये हौजात अल इल्मिया में नहीं गए तालीम हासिल करने, ये वॉलंटियरी टीचर्स हैं और उनका अपना इल्म भी महदूद है, लिहाजा ट्रेनिंग की जरूरत है और खुद बेचारों के पास वक्त नहीं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, हाँ, कि वो अपने इल्म में इजाफा करें। ये वॉलंटियरी टीचर्स और टीचर्स हैं और खुदा उनको अजर अजीम अता करे, ये मेहनत करते हैं, बेशक इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। और दूसरी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी की है, मेथोडोलॉजी किस तरह सिखाना बच्चों को, ये कौन सा तरीका जो है, कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं। भाई वो छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते तो पपेट्स का या मपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको हंसा कर सिखाया जाता है, या नहीं, एक तरीका है ड्रामा करके सिखाना, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना, या नहीं, व्हाइट बोर्ड हो या ब्लैक बोर्ड हो या ग्रीन बोर्ड हो, जो भी हो जो इस्तेमाल किया जाए, मेथोडोलॉजी है। और किस तरह इंटरेक्ट करना बच्चों के साथ, कैसा सवाल पूछना, किस तरह एसेस करना, ये वगैरह सब मेथोडोलॉजी के अंदर बताया गया है। आज हमारे मुआशरे के अंदर जहां तक सब्जेक्ट मैटर और कॉन्टेंट्स का मसला है, उसके जानिब कोई देखने के लिए तैयार नहीं है कि भाई बच्चों को क्या पढ़ाओ, लेकिन मेथोडोलॉजी पे सबसे ज्यादा भार दिया जाता है, यानी बंदूक दे रहे हैं बगैर बुलेट्स के, है नहीं, कहा इस तरह सिखाओ, क्या सिखाना नहीं मगर ये सिखाना है। और मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्तों क्योंकि मेरा फरीजा है और दिल जलता है जब ये देखते हैं, हम तो चले जाएंगे बच्चों का क्या होगा, बाहर से गैर मुसलमान प्रोफेशनल्स को लाया जाता है ट्रेन करने के लिए हमारे मदारिस के टीचरों को कि वो आके सिखाएं। एक बात तो ये है कि क्या कौम के अंदर ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं हैं? है? और मैं कम से कम 20 का नाम जानता हूं जो है कौम के अंदर, लेकिन नहीं, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर, बाहर से अगर कोई आया, समझे ना आप मैं क्या कह रहा हूं, तो ये तो अलग मसला है कि आएगा तो खैर, आया तो आया, वो अपने एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, सीखो इल्म जहां से भी हासिल हो। मौलाना इकाई की शिकायत कर रहे हैं, खुद पैगंबर ने कहा इल्म जहां से मिले, बिल्कुल सही है, बुलाओ। लेकिन एक वाकया बना जिसके बाद मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ कि ट्रेनर को बुलाया गया ट्रेन करने के लिए टीचरों को कि किस तरह वो, सुनिएगा अच्छी तरह से मैं क्या कह रहा हूं, फिक्ह इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस मदरसे के अंदर बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझे आप, काफर गैर मुसलमान को लाया गया ट्रेन करने के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर, इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस पर,
कि ये तुम सिखाओ। अभी वो ना खुदा में मानता है, ना रसूल में मानता है, ना अहकाम समझता है, कुछ समझता नहीं है। फिर भी उसने कोशिश की, भाई इसमें पैसे मिलते हैं, बुलाए हैं कोजे हजरात, माशा अल्लाह रिसोर्सफुल कम्युनिटी है, बुला रहे हैं और पैसे मिलेंगे तो चलो जाएं। आए और उसने कोशिश की सिखाने को टीचरों को कि तुम फिक्र बच्चों को कैसे सिखाओगे। एक बात आई वहां पर, बात ट्रेनर्स ने की और सुनने वाले सब बैठे कबूल किए इस बात को। उसने कहा कि देखो ये इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस जो है, फिक्र जो है, दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसमें डूज एंड डोंट्स है या नहीं, कि ये करना है तुम्हें, इंस्ट्रक्शंस है। ज्यूरिसप्रूडेंस इज एन इंस्ट्रक्शन। तुम तुम्हारे बच्चों को सिर्फ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मत सिखाओ, डूज एंड डोंट्स, बट ट्रेन देम टू चैलेंज दोज इंस्ट्रक्शंस। देखो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मेंबर रसूल से मैं ये बात कर रहा हूं, ये थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी से सुनी हुई बात नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और मैं जब बात करता हूं तो कुछ लोग नाराज होते हो, लेकिन अगर वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं तो आवाम को कम से कम पता होना चाहिए क्या हो रहा है। अभी मैंने ये बात कही, यहां मजमे में कुछ ऐसे होंगे जो कहेंगे मगर दिस इज लॉजिकल, ये एक वर्ड है लॉजिकल जिसका इस्तेमाल बहुत हो रहा है, लॉजिक लॉजिकल। फला मौलाना हमारे पास है, बहुत लॉजिकल बातें की, सुना होगा ये लॉजिकल है, ये इन लॉजिक है, ये लॉजिक जो है एक अलहदा मौजू है, अगर उसको छेड़ा हूं तो मेरी पूरी मजलिस इसी पर होगी और बहुत सी बातें और है जो रह जाएगी। कहा कि भाई सिखाओ तुम्हारे बच्चों को चैलेंज करें, चैलेंज करें, वाई शुड वी रू तकलीद, क्यों हम तकलीद करें, मर जाके चैलेंज करो इस बात को कि क्यों मुज्तहिद को आलम होना चाहिए, आलमियत कौन डिसाइड करेगा, ये बाहर वाला सिखा रहा है। और हमारे वाले बैठे हैं कहते हैं नाम नाम, जी हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हम चैलेंज करें। उलमा 50-60-70 साल की जिंदगी गुजारते हैं कुरान को समझने में, हमारे उलमा नजफ और कुम के, और फिर उसके बाद कुरान से अहकामात निकाल के हमें बताते हैं, बात समझ में आ गई। और यहां हर एरा घेरा नथू खेरा चल पड़ा है, कहा चैलेंज करें, वी मस्ट चैलेंज, ये सिखाया जाता है स्कूलों के अंदर भी बहुत से सब्जेक्ट्स में, बच्चों को यहां वेस्टर्न कंट्री के अंदर बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि तुम चैलेंज करो। इसलिए जरूरी यह है कि बचपने से हम इन पर काम करें, वरना हम चले जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे। देखो इस्लाम तो रहने वाला है, आले मोहम्मद का मजहब तो ता कयामत तक रहेगा, डर यह है कि कहीं हम गुमराह ना हो जाएं। ख्याल रखे इस बात की, ऐसा जमाना आ गया है कि लोग अब अवामिर इलाही पर की मुखालिफत करते, मुखालिफत एतराजात बाकायदा एक एक अम्र, रोजे पर भी चर्चे हो रहे हैं, नमाज पे भी चर्चे, और आके हमसे सवाल भी पूछते हैं। अब देखो सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं, कहा आजकल हमारा जमाना ऐसे, पुराने जमाने में जो भी हम सुनते थे मजलिसों के अंदर या उलमा कहते थे हम आर्ग्यू नहीं करते थे, जमाना बदल गया, यहां हमारे बच्चे पूछते हैं वाई पूछे। देखो इस्लाम हमें रोक नहीं रहा सवाल पूछने से, डोंट टेक मी रॉन्ग, बल्कि इस्लाम एनकरेज कर रहा है। कुरान उठा के देखिए वो मशहूर आयत कुरान की, फस अलू अहलत जिक्र इन कुंतुम ला तालमून, फस अलू हुक्म है, अमर है कुरान के अंदर, पूछो सवाल करो किन से, अहले जिक्र से। अभी अहले जिक्र है कौन, अहले जिक्र या तो अइम्मा ताहिरीन हैं या वो हमारे उलमा के जिन्होंने हमारे अइम्मा के मदरसे से तालीम हासिल किया है, ना कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से, समझे मैं क्या कह रहा हूं। फस अलू पूछो सवाल करो, एनकरेज कर रहा है, बल्कि हुक्म है खुदा का, अगर तुम नहीं जानते तो अहले जिक्र, अहले जिक्र यानी वो के जो कुरान का इल्म रखते हैं।
This is the manual of guidance. Iska ilm jo rakhte hain unse. Hadithon ke andar Maula Kainat Amirul Momineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayhi. ने भी कई मकामात पर एनकरेज किया है लोगों को कि तुम सवाल पूछो, अगर कोई बात तुम्हारे समझ में नहीं आई है तो पूछो, क्योंकि इल्म मौला फरमाते खजाना है जिसकी कुंजी या चाबी सवाल करना है। सवाल करोगे तो समझोगे, लेकिन दो चीज का ख्याल रखना। इमाम फरमाते हैं, एक कि सवाल पूछना सीखने के लिए उलझने के लिए नहीं है? लोग सवाल पूछ रहे हैं डिबेट करने के लिए, एतराज करने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि हमने जो इस्लाम सीखा है गैरों से ये हौजातुल इल्मिया बारे क्या जाने है? अब डिबेट करें उनके साथ, आर्ग्यूमेंट करें उलझने के लिए। मौला फरमाते नहीं है, ये बात नहीं है, पूछो सीखने के लिए ताकि तुम समझ सको और समझ के साथ तुम अमल कर सको। You don't follow Islam blindly, इसलिए सवाल पूछो, उलझने के लिए नहीं। और दूसरा जो मौला ने फरमाया है और इसका जिक्र कुरान में भी आया है, सवाल पूछो लेकिन कसरत सवाल से बचो। बहुत ज्यादा डिगिन मत करो, डोंट गो टू मच इन टू डिटेल। एक जमाना था कि हमारे मराज सिर्फ तौजीहुल मसाइल निकाला करते थे और उसमें इक्तिफा था, हम लोग सब फॉलो करते थे, जिंदगी गुजर रही थी, चल रहा था आराम से, ना कोई फितना ना कोई फसाद। लेकिन फिर हमारे यहां कुछ एक्स्ट्रा मोमिन थे, अब उन मसाइल को कहा वी आर परफेक्शनिस्ट, अब हम सवाल ज्यादा पूछे। नमाज में खड़ा रहना है तो किस तरह खड़े रहेंगे, यूं खड़ा रहें, यूं खड़ा रहें, सीधा खड़े रहें, किस तरह खड़ा रहें, यहां तक के सवाल पूछते 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 आज कई किताबें निकली है मसाइल फॉर पीपल हु लिव इन द वेस्ट, मिसाइल के तौर पर। यह सब मुसीबतें बिचारे उलमा और मराजे पर पड़ी, लोग पूछते आए पूछते आए, नतीजा क्या निकला, ये सब मसाइल जब निकले तो अमल नहीं कर सके, उलमा को गाली देने लगी। ये वो नजफ में कुम में बैठने वाले हमारी दुश्वारी हो क्या समझिए, कसरत सवाल से बचो, पूछो लेकिन पूछो सीखने के लिए उलझने के लिए नहीं, और कसरत सवाल से बचो। अगर तुम्हें जवाब मिल गया और जवाब तुम्हारे समझ में आ गया तो अब उस पर अमल करो, इक्तिफा करो, आगे मत बढ़ो और अपनी जिंदगी को इताअत इलाही में गुजारो। लोग आके सवाल पूछते हैं, इताअत की बात हो रही है, ओबीडियंस की बात हो रही है, खुदा हमको क्यों पांच वक्त की नमाज पढ़वा रहा है, वाई? अभी अल्हम्दुलिल्लाह जमाना ऐसा आ गया कि हमारे उलमा हमारे बच्चों के वायो का जवाब देने लगे हैं। ये वायो प्लूरल है वाई का, बाकायदा जवाब है इसका। एक किताब जो मैं रिकमेंड करता हूं आदतन जवानों को, वो है लॉजिक ऑफ इस्लामिक लॉज। आयतुल्लाह नासिर मकारिम और आयतुल्लाह जाफर सुभादी दोनों ने मिलकर ये किताब लिखी है, अंग्रेजी में मौजूद है, पहले फारसी में, बाद में अरबी में, अब अंग्रेजी में मौजूद है। ये किताब जरूर पढ़िएगा, बहुत से जो सवाल आते हैं वाय 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 इसका जवाब है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर तकलीद क्यों करें, इसका जवाब है, और तकलीद में भी आलम की तकलीद क्यों, इसका भी जवाब है, और बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। मिसाल के तौर पर खाने काबा की तरफ देखकर हम नमाज पढ़ते, लोग कहते हैं कि तुम बूतों के पुजारी पर लानत बेचते हो और खुद खाने काबा विच इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स उसके सामने सजदा करते हो, क्यों, वाई? इसका जवाब है, इंसान जब मर जाता है तो तीन मुख्तलिफ पानी से उसे नहलाया जाता है, आबे सिद्र से, आबे काफूर और आबे खालिस के साथ। वाई, क्यों ये तीन मुख्तलिफ? आजकल तो जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में नहला लेते हैं, तो ये सब क्यों, वाई? इसका जवाब भी उलमा ने बाकायदा दिया, काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं। और दूसरे उलमा भी है, आयतुल्लाह महदवी तहरानी ने भी कई किताबें लिखी, 101 क्वेश्चंस आंसर्ड किताब का नाम है, ये मौजूद है दारुल तबलीग में, ये लें और पढ़ें, पता चलेगा। आए कहा कि सवाल है, कहा खुदा नमाज क्यों पढ़ा रहा है पांच वक्त की नमाज, भाई इसका भी फलसफा है, उसका जवाब भी है। लेकिन हम लोग कॉलेज में जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हम काम पे जाते हैं, हम सफर पे जाते हैं, हम जहन्नम में जाते हैं, सुबह सवेरे हमें उठा दिया, दो रकत नमाज पढ़ो, दोपहर को आइन काम के वक्त, या यूनिवर्सिटी में बैठे टीचर की तकरीर चल रही है, छोड़ के अब नमाज पढ़े, मगरिब ईशा का वक्त सोने से पहले अदा करना जरूरी है, क्यों? खुदा ने हमसे कह दिया होता कि भाई तुम दिन में एक वक्त हमें याद करो,
और नमाज पढ़ने का भी मखसूस तरीका, कहता कि भाई तुम्हें छूट है, जैसे तुम चाहो नमाज पढ़ो, हाँ गाड़ी चलाते चलाते पढ़ो, चलते चलते रास्ते में पढ़ो, कंप्यूटर के सामने बैठे हो याद आया नमाज पढ़ लो, टेलीविजन के सामने बैठो पॉपकॉर्न का बोल तुम्हारे सामने है नमाज पढ़ लो आराम से। मगर ये एक मखसूस तरीके से पांच वक्त हमें नमाज खुदा क्यों पढ़ा रहा है? मैंने कहा एतराज़ात और सवाल पूछ नहीं रहा है बंदा जानने के लिए बल्कि उलझने के लिए। ये माह मुबारक है रमजान, दिन भर के जो रोजे हम रखते हैं, 18 घंटे रोजे, ये खुदा हमसे क्यों रखवा रहा है भाई? और अभी वो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन आ रहा है, शायद इधर आपने सुना होगा, आ रहा है मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, प्रोग्रेसिव, ये नहीं नहीं फ्लावरी वर्ड्स, मैं भी सीख रहा हूं, और भी हैं जो इंशाल्लाह आगे चल के आप सुनेंगे, प्रोग्रेसिव। कहा नहीं हमें 18 घंटे रोजे रखने की जरूरत है, 12 घंटा काफी है, 12 घंटा, क्योंकि जमाना अलग है, बदल गया, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। आ रहे हैं वो उलमा जो बैठे हैं 50-60 साल कुरान की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो जाहिल है, ये लोंडे 2-3 साल क्या किताबें पढ़ लिए, चंद हदीसें यहां वहां, बड़े बड़े उलमा का नाम लेने लगे, शेख कुलैनी और अल्लामा मजलिसी, और आके अपना हांकने लगे, सदवा दे रहे हैं, और अंधे के मजमे में काना हमेशा बादशाह होता है, ऐसे को मुरीद ज्यादा मिल जाते हैं। ये मौलाना जो है ट्रेडिशनलिस्ट है, ये तो 1400 साल पुराना है, मुझे फखर है कि मैं 1400 साल पुराना हूं, फखर है मुझे, मेरा हुसैन भी कत्ल हुआ है 1400 साल पहले, मुझे फखर है। कहा ये क्या जाने है, आ रहा है, और सुनिएगा आगे चल के 10 साल के बाद अगर हयात रही तो यही प्रोग्रेसिव मुसलमान आके कहेंगे अब माह रमजान का रोजा दिन में नहीं रखा जाता है, समर में रात को रखा करूं, आएगा देखिएगा। कहा क्यों खुदा हमें रोजे रखवा रहा है, क्यों हज जाना पड़ता है? भाई हज भी एक नया मसला है, मेरा वक्त तेजी से जा रहा है, बहुत सी बातें हैं लेकिन वक्त का ख्याल रखना जरूरी है। हज वाजिब है, कुरान कह रहा है मन इस्तता इलैहि सबीला, हज को वो जाएगा कि जो एबल और कैपेबल है, एबल सेहत के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, कैपेबल फाइनेंशियल लिहाज से, पैसे हैं वो जाए। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कौम के अंदर बहुत से लोग हैं जो हज को जाते हैं, और कुछ ऐसे भी मोमिनीन है जो हर साल जाते हैं, वहां जाके खिदमत अंजाम देते हैं, खुदा उनके तौफीकात में इजाफा करे। लेकिन कुछ ऐसे बंदे भी हैं, और मैं जानता हूं क्योंकि हमारे प्रोफेशन में ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, आते रहते हैं हमारे पास, ऐसे भी हैं कि जो एबल भी हैं, कैपेबल भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी अब तक हज को नहीं गए। मैंने पूछा एक से कि भाई आप हज क्यों नहीं जावे, आपके पास तो सब कुछ है, खुदा ने पैसा भी दिया है आपको और माशाल्लाह सेहत भी है, जानते क्या कहा उसने, अभी ये नया है मार्केट में, उसने कहा कि आई एम नॉट स्पिरिचुअली रेडी, सुना होगा आपने, ये नया है मार्केट में मेरे ख्याल से, नहीं नहीं बात याद ही रहती है, कहा आई एम नॉट स्पिरिचुअली रेडी। तो सरकार आप क्या चाहते हैं कि फरिश्ता आसमान से उतर के आपके दिल को साफ करे, हाँ, या ये अर्ज करना चाहते हैं कि जिस दिन आप हज को गए उस दिन आप स्पिरिचुअली प्योर होके जाएंगे 100%? अरे खुदा ने कुछ ऐसे मकामात रखे हैं विच एनहांसेस स्पिरिचुअलिटी, कुछ ऐसे मकामात हैं, और हमारे लिए जरूरी है कि उन जगहों पर जाके हम अपने बैटरी को चार्ज करें, हज उनमें से एक है। मुकद्दसात जगह इराक में, ईरान में, दमस्कस में, ये वो जगह है कि जहां जब इंसान जाता है वहां स्पिरिचुअल एनहांसमेंट उसे मिलता है, और बंदा कहता है आई एम नॉट स्पिरिचुअली रेडी, अजीब। और फिर कहे कि क्यों खुदा ने वाजिब किया है, भाई यहां हम मार्क्स और स्पेंसर के ट्राउजर पहनते हैं, नेक्स का शर्ट पहनते हैं, सॉक्स न जाने कहां से खरीद के, और फिर वहां हम सब उतार के हैरान में, सब एक सा, अमीर गरीब, काला हो सफेद हो येल्लो हो, सब एक, क्या बात है, ये तकलीफ है, ये दुश्वारी है, ये सही नहीं। शराब क्यों इजाजत नहीं है? हम ऐसे जगहों पर काम करते हैं जहां हमें लोगों के साथ सोशलाइज होना पड़ता है। भाई इस्लाम तो कहता है तुम उस दस्तरखान पर भी नहीं बैठ सकते कि जिस पर शराब रखी गई हो, तो हाउ आर वी गोइंग टू सोशलाइज? अब पूछे अपने प्रोग्रेसिव और मॉडर्न मोडवियों से और आगाओं से, जवाब देंगे तुम्हें, जाओ
इजाजत मिल जाएगी कि तुम बैठ सकते हो, हालांकि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम उस दस्तरखान से उठ गए। ये इमाम की सीरत और ये शियान इमाम की सीरत। हाँ, जिना क्यों हराम किया गया? देखो सब मौसम मजाक कर रहे हैं और हमारे पर पाबंदियां हैं, तो लोग जो है आके हमसे सवाल पूछ रहे। जवाब सुनिएगा, याद रखिएगा इस बात को कि खुदाबंद आलम ने अगर हमें किसी चीज का भी हुक्म दिया है, चाहे हुक्म अमर हो या हुक्म नहीं, कुछ करने के लिए कहा हो या किसी चीज से बाज आने के लिए कहा हो, तो अपने उस हुक्म के अंदर उसने कभी अपनी जात का फायदा नहीं देखा, बंदों की मसलहत को देखा। भाई वो हमारा खालिक है और हमारा मैनुअल उसके पास है, वो हमें हमसे बेहतर जानता है और समझता है। याद रखे, जब भी कोई हुक्म देता है उसमें बंदों की मसलहत होती है। खुदा बढ़ापा मारने के लिए हुक्म नहीं देता, उसको बढ़ापा मारने की जरूरत नहीं, बड़ा है वो, था है और रहेगा, है या नहीं? बढ़ापा मारने की उसको कोई जरूरत नहीं हमारी। और इसका जवाब कुरान मजीद के अंदर है। जिस जमाने में जिहाद को यानी जंग को मुसलमानों पर फरीजा करार दिया गया, तो कुछ मुसलमान ऐसे थे जो बिगड़ गए, नाराज हो गए। नए नए मुसलमान थे। आपने डॉक्टर साहब की तकरीर में सुना कि पैगंबर कभी ऑफेंसिव बैटल शुरू नहीं किए, हमेशा डिफेंसिव लड़े हैं। बिगड़ गए, अब आ रहे हैं दुश्मन लड़ने के लिए, जिहाद फरीजा करार दिया गया। अब जिहाद कैसे करें? भाई मुसलमानों को जमा करना जरूरी है, मुसलमान साथ दे तब तो जिहाद कर सकेंगे। जिहाद फरीजा करार दिया गया, बिगड़ गए। अभी होते हैं कुछ लोग मुसलमान, मोमिन, आजादार, हर तरह से जब तक सुखी है दुनिया के अंदर, सब कुछ है, गाड़ी है, मकान है, बच्चे हैं, पैसा है, ये है, ओ मोमिन। मगर जहां इम्तिहान में खुदा ने मुब्तिला किया, अब ईमान का टेस्ट लिया जा रहा है, या तो ये रिबेल करेगा खुदा के मुखालिफत में, या तो सब्र करेगा। हाँ, सर को झुकाएगा। वो मुसलमान बिगड़ गए, यहां उनका ये शिकायत करना कि अब तो इस्लाम हमारी जान भी लेना चाहता है, वहां अल्लाह की जानिब से इरशाद हुआ और ये जवाब है। कहा मेरे हबीब, कह दो इनसे के कुतिबा अलैकुम अल-क़िताल व हुवा कुरहुन लकुम, जिहाद को, किताल को, जंग को तुम पर फरीजा करार दिया गया, ये बात तुम्हें पसंद नहीं आई, तो सुनो, व असा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुन लकुम, कभी ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया के अंदर तुम किसी चीज को पसंद ना करो लेकिन उसमें तुम्हारी अच्छाई होती है, भलाई होती है। वह आसा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम, और कभी ऐसा भी हो सकता है तुम किसी चीज से बेहद मोहब्बत करो लेकिन उसमें तुम्हारी भलाई नहीं होती। और फिर आखिरी जुमला कमाल का है, वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमु, और खुदा जानता है तुम कुछ नहीं जानते। देखो ऐलान परवरदिगार, तो खुदा बंदे आलम ने जो भी हुक्म दिया है। माह मुबारक रमजान का जो जिक्र आया है कुरान मजीद के अंदर सूरह बकरा में, सूरह बकरा के अंदर द सेकंड चैप्टर ऑफ द होली कुरान, इसके अंदर खुदा बंदे आलम ने माह रमजान की फजीलत को बयान किया है और उसके साथ साथ अहकाम को भी कि माह रमजान में तुम्हें क्या करना है, फास्टिंग करना है या फीस्टिंग करना है, बाकायदा इसका जिक्र आया है। देखें खुदा बंदे आलम क्या कह रहा है, बात वही हो रही है कि खुदा जो करता है मसलहत के लिए करता है, हुक्म जो देता है उसमें मसलहत है बंदे। कहता है शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, सूरह बकरा की मुबारक आयत, ये शब माह मुबारक रमजान, खुदा कहता है ये रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, कुरान को यानी मैनुअल ऑफ गाइडेंस को नाजिल किया गया। हा? शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, इसमें लोगों की रहनुमाई और हिदायत की निशानियां बताई गई है और हक और बातिल के दरमियान में जो फर्क है उसे जाहिर किया गया है। यह माह मुबारक रमजान, ये मेरा मौजू नहीं है, मौजू कुछ और है, लेकिन कमाल की आयत है।
तो पहले फजीलत खुदा ने बयान की कि शहरु रमजान क्या है, और फौरन उसके बाद कह रहा है फमन शहीद मिनकुम अश्शहर फलयसुम, तुम में से अगर कोई हजर में हो, प्रेजेंस में हो, यानी माह मुबारक के रमजान में, इफ यू आर इन योर होम टाउन या कहीं एक ऐसी जगह पर आप हैं कि जहां आप पर रोजा साकित नहीं होता, तो फल यसूम हुक्म है, तो फिर तुम रोजे रखोगे। और फिर वो मन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, अगर तुम में से कोई बीमार है या आलम मुसाफिरत में है तो वो बाद में रोजे रखेंगे, मतलब जब शिफायाब इंसान हो जाए या अपने घर को लौट आए तो वो रोजे रखेंगे, वही रोजे माह मुबारक रमजान के। और ये पंच लाइन है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, ये पंच लाइन है इस आयत की। कहा यकीनन अल्लाह तुम्हारे लिए राहत और आराम पसंद करता है, जहमत और तकलीफ पसंद नहीं करता। देखो ये आयत, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, खुदा तुम्हारे लिए आराम और आसान पसंद, आसानी पसंद करता है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, माह रमजान का जिक्र सरकार, वेस्टर्न कंट्री के अंदर, यूरोप के अंदर माह मुबारक रमजान में 18 घंटे रोजे रखे हमने, बहुत बड़ा काम किया हमने, रोजे रखे हमने, और कैसी कैसी दुश्वारियां और तकलीफें पेश आई माह मुबारक रमजान में। लोग आए शिकायत कर रहे थे, हाँ तो बहू के भाई बहू, हाँ ये तो बहुत है, 18 घंटे रोजे रखे, और खुदा कह रहा है कि युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, खुदा तुम्हारे लिए आसानी, तो ये आसान कहां हुआ मियां, ये तो मुश्किल था काम, आसान नहीं था। आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी अपनी तफसीर तफसीर नमूना के अंदर इसी आयत के ज़ेल में ये लिखते हैं कि इस आयत का दो मफहूम है। एक मफहूम यह है कि रोजे को तमाम मुसलमानों पर वाजिब करार दिया गया है माह मुबारक रमजान के अंदर कि ये रोजे रखेंगे, लेकिन अगर इनमें से कोई बीमार हो गया या सफर पर चला गया तो उसके लिए माह मुबारक रमजान में रोजे नहीं है, लेकिन वो बाद में रखेगा। इसके लिए खुदा कह रहा है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, खुदा तुम्हारे लिए राहत और आराम चाहता है, ना कि तकलीफ और जहमत। और फिर दूसरा मफहूम जो लिखते हैं सुनने जैसा है, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी लिखते हैं कि दूसरा मफहूम यह है कि अगरचे रोजे में तकलीफ है लेकिन रोजों का अंजाम आसान और आरामदेह है। बात समझ रहे हैं आप, उसका अंजाम उसका नतीजा दोनों, जिस्म के लिए और रूह के लिए भी, बात समझे आप, तकलीफ तो है भाई, बीमार हुए डॉक्टर के पास गई, अब जो इंजेक्शन लगा रहा है ये तकलीफ दे है, आजकल तो पता नहीं चलते लगा देते हैं, लेकिन डेंटिस्ट का जो इंजेक्शन होता है, खुदा बचाए है कोई डेंटिस्ट यहां पर, खुदा उसके तौफीक में इजाफा करे अगर है और तरक्की करे, लेकिन खुदा बचाए ऐसा इंजेक्शन लेकिन दिया जा रहा है क्योंकि इंसान तकलीफ में है, और उसके बाद अंजाम क्या है, राहत है सुकून है, बस यही मफहूम है अगर लोग समझते होते। कहा रोजे में तकलीफ होती है, भाई रोजे का हुक्म दिया इसीलिए गया है कि तुम तकलीफ महसूस करो, वरना रोजे का क्या फायदा, अगर रोजे में तकलीफ नहीं हुई तो तुम गरीबों के भूख का एहसास कैसे कर सकोगे, है या नहीं है। तो ये है मेरे दोस्तों, खुदा वल्ले आलम ने जब भी हमें किसी भी चीज का हुक्म दिया है उसमें अपनी जात के लिए फायदा नहीं देखा है, हमेशा बंदे की मसलहत के मुताबिक हुक्म दिया है। इस बात को समझे कि वो हमारा खालिक है, उसने हमें पैदा किया है, उसके पास हमारा मैनुअल है, वो हमसे ज्यादा जानता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। वी कैन नॉट मेक दैट डिसीजन फॉर अवर सेल्फ, और अगर हमने वो डिसीजन बनाए, छोटी छोटी चीजों में बना सकते कि बिरयानी खाएं या ना खाएं ये अलग मसाला है, मगर जो इंपोर्टेंट मसाइल है उसके अंदर नो वी कैन नॉट मेक एनी डिसीजन,
ये खुदा बेहतर जानते, जो हुक्म दिया है उसमें हमारी भलाई है। और बंदा अगर इस हुक्म से दूर होते जाए और अवामिर इलाही को बजा न लाए तो नुकसान खुदा के लिए नहीं है, बंदे के लिए। ये याद रहे, दुनिया के अंदर भी नुकसान है और आखिरत के अंदर भी नुकसान है। तो मेरे दोस्तों, ये है तकवा का दूसरा पहलू कि बंदा इताअत खुदा में, ओबीडियंस ऑफ गॉड में अपनी जिंदगी को बसर करे। बहुत सी बातें और थी, वक्त तमाम होने को आ रहा है, फिर कल अगर मौका मिला तो बकिया बातें कल की मजलिस में आएगी इंशाअल्लाह। अर्ज ये करना चाहता हूं, मैं अपने आप से कहता हूं पहले फिर आपसे, जो कुछ भी खुदा तौफीक दे कि मैं खुद भी उस पर अमल करूं। दो दिन की दुनिया है मेरे दोस्त, ये हाय वो ही काहे की। जनाब नूह को 2500 साल की उम्र मिली थी, 2500 years, कुरान में 950 years का जिक्र आया है। ये उसके पीरियड ऑफ तबलीग का जिक्र आया है, पीरियड ऑफ प्रोपगेशन हदीसों के अंदर है 2500 years। आज इंसान कितना जीता है, 40, 50, 60, ज्यादा से ज्यादा 80, और जो बेचारा 80 को पहुंचता है या 70 को पहुंचता है कहते ये ट्रांजिशन में है। हम सब ट्रांजिशन में हैं, हम सब ट्रांजिट में हैं। जरूरी नहीं कि इंसान 60-80 साल का हो तो नहीं, 40 साल की उम्र को इंसान 2500 साल की उम्र जब मलकुल मौत आए हैं रूह कब्ज करने, कहा नूह वक्त आ गया है चलो, कहा धूप में खड़ा हूं इजाजत दे छाए में चला जाऊं। नबी खुदा थी, इजाजत मिली, नबी खुदा थे इजाजत मिली, मुझे और आपको नहीं मिली। नहीं कह सकेंगे कि भाई जरा रुके हेलीफैक्स में मेरा बैंक अकाउंट है जरा क्लोज कर दूं, या वो बाकलेस में जो भी हो, कहा अपने बाल बच्चों को अलविदा कहूंगा, नहीं चलो ला यस्तुतीउना तौसियतुम वला इला अहलिहिम यरजिउन। सूरह यासीन के अंदर ये तो कयामत के बारे में है लेकिन हकीकत है मौत के बारे में भी। इंसान अगर वसीयत नहीं की तो वसीयत का मौका भी नहीं मिलेगा। ये नबी है खुदा के, कहा धूप में खड़ा हूं छाए में चला जाओ, इजाजत मिली आए छाए में साए में आके खड़े हो गए। कहा मलकुल मौत जानते हो 2500 साल मेरी जिंदगी की ऐसी तेजी से गुजर चुकी जैसे मैं धूप से निकलकर इस साए में आया। यह है दुनिया, काहे की हाय वो मेहनत करे कोशिश करे जिंदगी को हम संवारे। जो रास्ता हमें बताया गया है कुरान के अंदर पैगंबर के जरिए से आइम्मा ताहिरीन और उन उलमा के जरिए से जो साहेबान तकवा हैं, इस पर इंशाल्लाह आगे चल के बड़ी रातों में गुफ्तगू होने वाली है। इनके बताए हुए रास्ते पर हम अपनी जिंदगी को, मेरे दोस्तों अमाल के बोझ को उठा के हमें जाना है। तकवा वो अमल है, वो सिफत है कि जो हमारे लिए आखिरत के लिए ज़ाद राह है। इन खैर ज़ाद तकवा, आखिरत के लिए कुछ काम नहीं आएगा। दुनिया की आए वो ही पैसे औलाद कुछ नहीं सिवाय तकवा के और कुछ नहीं। आगोश लहद में जब के सोना होगा, बजुज खाक न तकिया न बिछोना होगा, तन्हाई में कौन होगा अनीस, हम होंगे और कब्र का कोना होगा। यह मौत की हकीकत, जितना हो सके अमल करें बजा लाए अल्लाह की इताअत करें, गुनाहों से अपने आप को बचाए मेरे दोस्त। और ये मंजर मौत का और कयामत का बेहतरीन अंदाज में हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम अली इब्न अल हुसैन ज़ैन अल आबिदीन सलावातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि ने अपनी मशहूर तरीन दुआ दुआए अबी हमजा फुमाली के अंदर बयान फरमाया, जो दुआ माह मुबारक रमजान में हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, आजकल मैंने देखा है कि ट्रांसलेशंस भी हम रन करते हैं स्क्रीन्स पर, लेकिन कभी बैठ के सोचे हैं कि मासूम इमाम क्या कह रहा है। आलम इमाम मासूम का, बेखता बेगुनाह इमाम, लेकिन आलम यह है कि सर सजदे माबूद में है और आंखों से आंसू जारी है और फरमा रहे हैं
फमा लीला अबकी, ए परवरदिगार में क्यों कर आंसू ना बहाऊं, क्यों कर ना रोऊं। वअरा नफ्सी तुखादिउनी वअय्यामी तुखातिलुनी, और मैं देख रहा हूं कि मेरा यह नफ्स मुझे धोखा दे रहा है, दिन मेरे जिंदगी के गुजर रहे हैं। वकद खफकत इंद रासी अजनिहतुल मौत, और मौत अपने परों को खोलकर मेरे सर पर खड़ी है। बोले ईमान, मौत की हकीकत, दो दिन की दुनिया, जाना है वहां पर, क्या लेकर जाएंगे। और फिर कब्र का मंजर बयान करते हैं, मौत से लेकर आगे बढ़ते हैं, कहा अब की लिखरूजी नफसी, मैं उस वक्त के लिए रो रहा हूं जब मलकुल मौत मेरी रूह को मेरे बदन से अलग करेगा। आपने सुना होगा क्या कैफियत होती है इंसान की उस वक्त, और फिक्र किया या फिर फेरी टेल समझ रहे हैं कि ना ये तो पुरानी बातें हैं, हम तो इस जमाने के हैं। मासूम इमाम दुआया अबू हमजा फुमारी उठा के देख सकते हैं, उस वक्त पर मैं आंसू बहा रहा हूं जब मेरे जिस्म से, मेरे बदन से मेरे रूह को निकाला जाएगा। अब की लज़ीकी लहदी, मैं रो रहा हूं मेरे उस तंग कब्र पर जिसमें लोग मुझे लिटा कर जाएंगे। इंसान मजलिस में आता है, उसको ऐसी जगह चाहिए कि जहां वो आराम से बैठ सके, तंग ना हो जगह। हाँ, मगर कभी सोचा है बंदा परवर के वहां से तू कहां जाएगा। इमाम कह रहे हैं मैं अपनी उस लहद पर रो रहा हूं जिसमें लोग लिटा कर मुझे चले जाएंगे, और कहा वह अब खिल जुलमती कब्री, और मैं अपने अंधेरी कब्र पर रो रहा हूं। इंसान दुनिया के अंदर अंधेरे में घबरा जाता है तो रोशनी में चला जाता है। कभी सोचा है कि क्या होगा उसका कब्र के अंदर। वह अब के लिए सुआल मुनकर व नकीर फिल कब्र, और उस वक्त के लिए मैं रो रहा हूं जब नकीरैन मेरी कब्र में आकर मुझसे सवाल करेंगे, मुझसे पूछेंगे। ये हमारा अकीदा है, पूछेंगे अकीदे के बारे में, पूछेंगे अमल के बारे में, पूछा जाएगा क्या लेकर आए हो अपने साथ। दुनिया वाले पूछते हैं कि जाने वाला गया क्या छोड़ के गया, इंतजार करने वाले कब्र के अंदर फरिश्ते पूछते आने वाला आ रहा है क्या लेके आ रहा है। एक कौले इमाम, और फिर कयामत का मंजर, आमाल का बोझ जिक्र हो रहा है, इताअत इलाही, ये नेक आमाल है, बाकियात उस्सालिहात है। कहा अब की लिखरूजी मिन कब्री, मैं उस वक्त पर आंसू बहा रहा हूं जब मुझे मेरी कब्र से उठाया जाएगा। शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं कि कयामत के दिन इंसान को 50 स्टेशन से गुजरना पड़ेगा, 50 स्टेशन से, और 50 स्टेशन का बाकायदा उन्होंने अपनी किताब मनाजिलुल आखिरा के अंदर जिक्र किया है। और हर स्टेशन पर इंसान को कम से कम 1000 साल तक खड़ा रहना पड़ेगा। कान मिकदारुहु 50 अल्फ सना, कुरान कह रहा है 50,000 साल के बराबर होगा वो दिन। 50 स्टेशन, हर स्टेशन पे 1000 साल बंदे को ठहरना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेशन कब्र है, जब उठाया जाएगा उसकी कब्र से, एक पैर कब्र के अंदर, एक पैर कब्र से बाहर, और उसी आलम में 1000 साल तक बंदा खड़ा रहेगा। ये हकीकत है, कौले मासूम है, समझे इस बात को। अब अकेले खुरूजी मिन कब्री, मैं उस वक्त पर आंसू बहा रहा हूं जब मुझे मेरी कब्र से उठाया जाएगा। हालत क्या होगा, और यानन जलीलन, हा बदन पर लिबास नहीं होगा, इंसान और या बदन होगा, कपड़े नहीं होंगे, जिल्लत का आलम होगा। जलीलन हामिलन फकली आला वहरी, आमाल के बोझ को मैं अपने कांधों पर उठाकर उठूंगा अपने कब्र से। انظروا مرتين عن يميني واخرى عن شمالي, कभी राइट की तरफ कभी लेफ्ट की तरफ देखूंगा, कहे कोई मेरा नासिर मददगार यहां पे। कयामत का मंजर, اذ الخلائق في شأن غير شأني, हर इंसान उस दिन अपने आप में मसरूफ होगा, किसी के पास दूसरे के लिए वक्त और फुर्सत नहीं है। यह है हकीकत जो हमारे लिए है, मौत के आने तक फुर्सत है, उसके बाद कुछ नहीं। मैं अभी ये बता रहा था कि इंसान जब मर जाता है तो शायद फर्स्ट या सेकंड जनरेशन तक लोग उसे याद करेंगे, उसके अपने जनरेशन वाले, उसके बाद भूल जाते हैं। अक्सर लोग अपने दादाओं को भूल गए हैं, जानते भी नहीं, पहचानते नहीं, और ख्याल से भी दूर है। ये हालत इंसान को भूल जाए, इंसान अकेला। शायद यही आखिरत का तसव्वुर था जिसकी वजह से
हुर की जिंदगी में इनकलाब आ गया, हुर इब्ने यजीद अर्रिया। हमारा हमारे इमाम का वो साथी, पहचानो इस हुर को, ये वही हुर है कि जिसने इमाम के रास्ते को रोका था, और करबला तक लाने वाला यही हुर। कुछ बद जहन साहिब लवाइजुल हजान लिखते हैं कि कुछ बद जहन लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि करबला में जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हुर थे, ना हुर ने इमाम के रास्ते को रोका होता ना इमाम करबला आते और ना वो सब कुछ होता जो करबला में हुआ। लेकिन फिर ये लिखते हैं साहिब लवाइजुल हजान कि नौवीं मुहर्रम को जब पिसर साद ने पहला तीर फेंका है खयाम हुसैनी की तरफ, तो एक मर्तबा यही हुर है कि जो कांप गया, तड़प गया और आया, कहा पिसर साद जरा ये तो बता, क्या तू वाकई में हुसैन के कत्ल पर आमादा है? वाकई तू हुसैन को कत्ल कर देगा? हुर का यह सवाल पूछना खुद इस बात की दलील है कि हुर बेखबर थे, उसको यह खबर नहीं थी कि किस वजह से इब्ने ज़ियाद ने उसे हुसैन के रास्ते को रोकने का हुक्म दिया था। पिसर साद ने कहा, ए हुर, खुदा की कसम इस तरह लड़ूंगा कि सर कट कट के उतरेंगे, हाथ कट कट के गिरेंगे। वाह, यह सुनना था, हुर बेचैन हो गए, इस कदर बेचैन हो गए कि तारीख में हमें मिलता है कि बार बार खेमे के अंदर आते थे, बार बार खेमे से बाहर निकलते थे। शब आशूर जब आई है और पिसर साद ने हुर की हालत को देखा तो पूछा, कहा, ए हुर, ये तूने कैसी कैफियत बना रखी है, क्या आलम है तेरा? आज अगर कोई मुझसे पूछ ले कि शुजात तरीन फर्द मेरे लश्कर का कौन है तो मैं तेरा नाम लूंगा। जवाब दिया हुर ने कि ऐ पिसर साद, लानत हो तुझ पर, खुदा की कसम आज मैं अपने आप को बहिश्त और दोजख के दरमियान में पा रहा हूं। ऐ पिसर साद, याद रख, मैं अपनी आकिबत को तेरी दुनिया पर निसार होने नहीं दूंगा। ये कहकर हुर एक मर्तबा उस खेमे के अंदर आए जिस खेमे में हुर का करियल जवान बेटा बैठा हुआ था। ज़ईफ बाप को आते हुए देखा, एक मर्तबा जवान बेटा खड़ा हो गया। हुर ने अपने बेटे से कहा, तुम यहां आराम से बैठे हो, जरा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि फरजंदे रसूल और फरजंदे रसूल के बच्चों का क्या आदब है। अपने बेटे को लेकर अपने साथ निकले, खयाम हुसैनी के पुश्त पर आए, कहा, बेटा सुनो कैसी सदाएं आ रही है खयाम हुसैनी। हुर के बेटे ने सुना तो पहले तस्बीह और तहलील की आवाज आ रही थी, लेकिन जब गौर से सुना तो तस्बीह और तहलील की आवाज के साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की सदाएं, अल आताश अल आताश, हाय प्यास। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा हुर का बेटा तड़प गया, कहा, बाबा तराई हमारे कब्जे में हो, फरजंदे रसूल और फरजंदे रसूल के छोटे छोटे बच्चे प्यासे रह जाए। हुर ने अपने बेटे के साथ यह तय किया कि सुबह होते ही नुसरत इमाम को जाएंगे, अजादार और सुबह आशूर तारीख में हमें मिलता है कि होर, मैं अपने भाई बेटे और गुलाम के रवाना हुए खयाम हुसैनी की तरफ चले। लेकिन आलम यह था कि शर्म की वजह से होर का सर झुका हुआ था, आंखों पर पट्टी लगी हुई थी, दो हाथ हुर के भसे गर्दन बंधे हुए। यहां से होर चले, वहां मौला खैमे में बैठे हुए थे, एक मर्तबा खड़े हो गए, कहा, भैया अब्बास, बेटा अली अकबर, आओ मेरे साथ इस्तकबाल के लिए चलो, क्योंकि मेरा मेहमान हुर आ रहा है।
वहां से हूर आ रहे थे, यहां से इमाम इस्तकबाल के लिए चले। तारीख में मिलता है कि जब हूर वहां पर पहुंचा है कि जहां इमाम थे, तो एक मरतबा आकर अपने आप को मौला के कदमों पर गिरा दिया, कहा फर्जंद रसूल, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, मैं शर्मिंदा हूं, मैं ही वो बदनसीब हूं जिसने आपके रास्ते को रोका था और आपको करबला ले आया। लेकिन फर्जंद रसूल, मुझे खुदा की कसम खबर नहीं थी कि ये लोग आप के कत्ल पर आमादा होंगे। रसूल, क्या मेरी तौबे को आप कबूल करेंगे? अल्लाह अल्लाह, इमाम ने एक मर्तबा झुक कर हूर को संभाला, हूर को उठाया, सीने से लगाया, कहा ए हूर, तेरा नाम तेरी मां ने हूर रखा, तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद है, मैंने तुझे माफ किया, मेरे खुदा ने भी तुझे माफ किया। उसके बाद मौला हूर को लेकर अपने साथ खयाम की तरफ बढ़े, अपने खैमे की तरफ बढ़े। रिवायत में हमें मिलता है कि जिस वक्त हूर मैं अपने भाई बेटे और गुलाम के साथ और मौला के साथ मौला के खैमे की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हूर की नजर पड़ी, क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे खाली कूजे लिए हुए खड़े हो गए और आपस में एक दूसरे से कलाम कर रहे थे। हूर का जब गुजर हुआ है तो उसने अपने कानों से सुना, एक बच्चे ने दूसरे से कहा कि देखो हूर आ गया है, ऐसा लगता है कि अब खैमे के अंदर पानी भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा हूर रुक गए, कहा फर्जंद रसूल, खुदा के लिए मुझे खैमे में मत ले जाइएगा। ए फर्जंद रसूल, मौला ने कहा कि ए होर, तुम मेरे मेहमान हो, लेकिन हाय अफसोस, एक कतरा पानी का खैमे में नहीं है कि मैं तुम्हारी खातिर कर सकूं। कहा फर्जंद रसूल, शर्मिंदा मत कीजिए, बस मुझे रन की इजाजत दीजिए, अजादारों मैंने आपकी जहमत को तमाम किया, साहेब औलाद का मजमा है, अपने अपने दिलों को थाम कर इस रिवायत को सुनिएगा। रिवायतों के अंदर हमें मिलता है बहुत इसरार के बाद मौला ने हूर को रन की इजाजत दी है, तो सबसे पहले हूर ने अपने करियल जवान बेटे को मैदान में लड़ने के लिए भेजा। जवान बेटा मैदान में आया, कुछ देर तक मुनाफिकों के मुकाबले में लड़ा, जब जख्मों से चूर चूर हो गया और घोड़े से जमीन पर गिरा है तो ज़ईफ बाप को मदद के लिए पुकारा, कहा बाबा मदद के लिए आइए। तारीख के अंदर हमें यह मिलता है, जो ही जवान बेटे की आवाज हूर के कानों से टकराई है, आंखों में अंधेरा आ गया, इस तरह दौड़े हैं मैदान की तरफ कि बार बार जमीन पर गिरते जाते थे। इतने में पीछे से किसी ने संभाला, कहा ए हूर, जवान बेटे की मैयत पर जा रहे हो, अभी हुसैन जिंदा है, तुझसे जवान बेटे का जनाजा नहीं उठेगा। मैं कहूंगा और बड़े खुश नसीब थे, काश असले आशूर से पहले आते, जब अकबर घोड़े से गिरे कोई न था जो मेरे मजलूम इमाम की मदद हुआ। अला लअनतुल्लाह अला अल-क़ौम अज़्ज़ालिमीन, इल्तिमास दुआ मातम हुसैन।